नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के हमारे दो वीडियो पहले आ चुके थे, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने गुप्तकालीन प्रमुख व्यवस्थाएँ जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था व धार्मिक व्यवस्था शामिल थी, उसका अध्ययन किया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कला व साहित्य को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं गुप्तकालीन कला व साहित्य। अगर दोस्तों कला व साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या बताया मैंने? कला व साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस पॉइंट को नोट करते चलते हैं। कला व साहित्य की दृष्टि से कला व साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। अब यहां पे दोस्तों एक प्रश्न आता है कि क्यों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मंदिर निर्माण की कला है, मंदिर निर्माण की कला का विकास गुप्त काल में ही किया गया, और गुप्त काल में जो मंदिर थे वो नागर शैली में बनाए जाते थे। तो लिख लेंगे, मंदिर निर्माण की कला का विकास व गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में निर्मित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास हुआ। मंदिर निर्माण की अगर देखें तो मुख्य रूप से तीन शैलियां होती हैं, जिसमें पहली शैली है नागर शैली। अगर नागर शैली को देखा जाए तो नागर शैली के मंदिर जो हैं हमें, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक दिखाई पड़ते हैं। पहली शैली है नागर शैली, और मैंने क्या बताया, नागर शैली के जो मंदिर हैं ये हमें जम्मू कश्मीर से लेकर के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य में दिखाई पड़ते हैं। और गुप्तकालीन जो शासक थे, इन्होंने मुख्यतः मंदिर का निर्माण जो है वो नागर शैली में ही करवाया है। अगर मंदिर निर्माण की दूसरी शैली को देखा जाए तो इसे कहा जाता है द्रामिण शैली, और द्रामिण शैली का विकास कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण भारत की ओर किया गया है। और मंदिर निर्माण की जो तीसरी शैली है, इसका नाम है बेसर शैली, और बेसर शैली जो है ये द्राविड़ व नागर शैली के मिक्सअप से बनी है, अर्थात इसका मिश्रित स्वरूप है, जो कि विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य में पाई जाती है। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में जो मंदिर है वो किस शैली में बने हैं, तो नागर शैली में बने हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, तो नागर शैली में निर्मित हैं। अगर नागर शैली को देखा जाए तो नागर शैली में मंदिरों के निर्माण के लिए पहले चबूतरे का निर्माण किया जाता है, और चबूतरे के मध्य में एक गर्भगृह स्थापित किया जाता है। गर्भगृह में मूर्ति रखी जाती है, व चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग, अर्थात घूमना या परिक्रमा करने के लिए मार्ग बनाया जाता है, व मंदिरों की छतें जो होती थी समतल होती हैं, और मंदिरों की छतों पर गंगा, यमुना, शंख चक्र और पद्म की आकृति का निर्माण किया जाता है। दोस्तों तो लिख लेते हैं, नागर शैली में
मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता है। चबूतरे पर जिसके मध्य में गर्भगृह तथा गर्भगृह में मूर्ति विराजमान। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब जो ये गर्भगृह है या कह सकते हैं जो चबूतरे के मध्य में मूर्ति है, इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए मार्ग बनाया जाता था जिसे प्रदक्षिणा मार्ग कहते थे। लिख लेंगे, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो छतें समतल व शीर्ष पर, अर्थात छतों की शीर्ष पर गंगा यमुना शंख चक्र व पद्म की आकृति। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो चबूतरा होता था, चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाती, तो लिख लेंगे चबूतरे पर जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा ये थी हमारी नागर शैली। तो नागर शैली को देखें तो पहले एक चबूतरे का निर्माण और चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां, चबूतरे के मध्य में एक गर्भगृह और गर्भगृह में मूर्ति को विराजमान किया जाता था और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा मार्ग किया जाता था, छतें समतल होती थी व छतों पर गंगा यमुना शंख चक्र व पद्म की आकृति बनी हुई होती थी। गुप्तकालीन जो मंदिर थे ये मुख्य रूप से पत्थरों के व ईंटों के बने होते, तो लिख लेंगे मंदिर मुख्यतः पत्थरों व ईंटों से निर्मित। अगर गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों को दोस्तों देखा जाए तो गुप्तकालीन अनेक मंदिर के साक्ष्य भारत में प्राप्त हुए हैं और मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अगर इसमें सबसे पहला मंदिर देखा जाए तो ये तिगवा जबलपुर का मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है। लिख लेंगे नंबर वन तिगवा जबलपुर का मंदिर। और ये किस भगवान का है दोस्तों, तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो ये है भूमरा का मंदिर और जो भूमरा का मंदिर है ये नागौद जिला मध्य प्रदेश में पाया गया और ये शिव को समर्पित है। लिख लेंगे नागौद मध्य प्रदेश और ये किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। अगर तीसरा मंदिर देखा जाए तो ये है खोह का मंदिर और ये भी नागौद जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। लिख लेंगे खोह का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश और किसको समर्पित है, शिव को। अगर चौथा मंदिर देखा जाए
तो ये है नचना कुठार। और नचना कुठार जो है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और ये माता पार्वती को समर्पित है। लिख लेंगे नचना कुठार मध्य प्रदेश और ये माता पार्वती को समर्पित है। अगर पांचवा मंदिर देखा जाए तो ये है उदयगिरी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। लिख लेंगे उदयगिरी का मंदिर। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश। और किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। अगर छठा मंदिर देखा जाए तो ये है हमारा भीतर गांव कानपुर का मंदिर। लिख लेंगे कानपुर भीतर गांव का मंदिर। और गुप्तकालीन अगर प्रमुख मंदिर को देखा जाए या गुप्त मंदिर निर्माण की जो कला थी उसका वास्तविकता में विकास अगर किसी मंदिर में देखा जाए तो ये हमें दिखाई पड़ता है देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर में। लिख लेंगे देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा कि गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वोत्तम उदाहरण। लिख लेंगे गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वोत्तम। तो ये थे दोस्तों हमारे गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। अगर इसके अतिरिक्त देखें तो गुप्त शासकों ने गुहा मंदिरों का भी निर्माण किया है। और गुहा मंदिर अगर देखा जाए तो अजंता एलोरा महाराष्ट्र बाघ मध्य प्रदेश व उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। तो हेडिंग डालते हैं गुहा मंदिर। गुहा मंदिरों का निर्माण गुफाओं को पहाड़ियों को काट काट करके किया गया है। लिख लेंगे गुहा मंदिर अजंता व एलोरा महाराष्ट्र कौमा बाग व उदयगिरी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो हेडिंग डालते हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला। मूर्तिकला गुप्त काल का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। और गुप्त काल में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है मुख्यतः ये धर्म से संबंधित हुआ है। और गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणकालीन नग्नता व कामुकता का प्रदर्शन नहीं किया गया है क्योंकि ये मंदिरों की मूर्ति अगर ये मूर्तियां देखें तो ये मूर्तियां मुख्य रूप से धर्म से संबंधित है। लिख लेंगे सर्वोत्तम विकास हुआ नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो धर्म पर आधारित मूर्तियों का निर्माण। और अगर कुषाणकालीन मूर्तिकला से अंतर देखें तो कुषाण काल में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है उसमें नग्नता व कामुकता को दिखाया गया है जबकि गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं ये सरलता व शालीनता को प्रदर्शित करती हैं। लिख लेंगे कुषाणकालीन कामुकता व नग्नता का अभाव। अगर गुप्तकालीन
प्रमुख मूर्तियों को देखा जाए तो इन मूर्तियों में जो गौतम बुद्ध की सारनाथ से बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, मथुरा से गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज से कांसे की गौतम बुद्ध की मूर्ति, उदयगिरी से वाराह मूर्ति व दशावतार झांसी की शेष सैया पर लेटी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। तो लिख लेंगे प्रमुख मूर्तियां अगर प्रमुख मूर्तियों में पहली मूर्ति हम लोग देखें तो ये है सारनाथ से बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा। लिख लेंगे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा। और ये प्राप्त हुई है सारनाथ से। दूसरी देखी जाए तो खड़े बुद्ध की प्रतिमा और ये प्राप्त हुई है मथुरा से। अगर तीसरी देखी जाए तो ये है कांसे की बुद्ध प्रतिमा जो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। लिख लेंगे कांसे की बुद्ध प्रतिमा और ये प्राप्त हुई है सुल्तान गंज। अगर चौथा देखें तो ये है वाराह की प्रतिमा। वाराह विष्णु भगवान का एक अवतार था जो कि गुप्तकालीन शासकों का सबसे प्रसिद्ध अवतार था। तो लिख लेंगे वाराह की प्रतिमा उदयगिरी। और अगर अंतिम उदाहरण देखा जाए तो ये है शेष सैया पर विराजमान विष्णु भगवान की प्रतिमा और ये प्राप्त हुई है दशावतार मंदिर से जो कि देवगढ़ झांसी में स्थित है। तो ये थी हमारी गुप्तकालीन प्रमुख प्रतिमाएं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग चित्रकला। गुप्त काल में चित्रकला का भी सर्वोत्तम विकास हुआ और चित्रकला के उदाहरण को अगर देखा जाए तो ये हमें मुख्य रूप से अजंता महाराष्ट्र व बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। तो लिख लेंगे वात्स्यायन ने काम सूत्र में चित्रकला को प्रदर्शित किया। अगर इसके उदाहरण देखे जाएं या चित्रकला कहां से प्राप्त हुई दोस्तों, तो इसमें अगर हम पहला देखें तो ये है हमारी अजंता की गुफाएं। लिख लेंगे अजंता वा बाघ की गुफाएं। अजंता वा बाघ की गुफाओं की चित्रकला। अगर अजंता देखा जाए तो वर्तमान समय में ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो लिख लेंगे महाराष्ट्र। अजंता कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। अगर बाघ की गुफाओं को देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धार जिले में स्थित है। लिख लेंगे मध्य प्रदेश ग्वालियर के निकट धार जिला। और धार जिले में अगर देखा जाए तो ये बाघ नामक स्थान पर स्थित है। अगर अजंता की गुफाओं को देखा जाए तो इसकी खोज की है अलेक्जेंडर
कनिंगम ने या जेम्स एलेक्जेंडर ने इसकी खोज की है, जबकि अगर बाघ की गुफाओं को देखा जाए तो इसकी खोज की है ग्रिंजर फील्ड ने। लिख लेंगे खोज जेम्स अलेक्जेंडर। और अगर इसकी खोज देखी जाए तो ड्रेंजर फील्ड ने इसकी खोज की है। अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये ब्राह्मण व बौद्ध धर्म से संबंधित है। लिख लेंगे ब्राह्मण व बौद्ध धर्म से संबंधित। और अगर इनको देखा जाएगा तो ये लौकिक जीवन से संबंधित है। लिख लेंगे लौकिक जीवन से संबंधित। अगर अजंता की गुफाओं को देखा जाए तो यहां पर माता और शिव की जो आकृति है ये पाई गई है। लिख लेंगे माता व शिव का चित्र। जबकि बाघ की गुफाओं में माता व शिव का चित्र नहीं पाया गया है। अगर चित्रकला को देखें तो चित्रकला का जो अलंकरण है ये पशु पक्षियों व पेड़ पौधों की आकृतियों से किया गया है। तो नोट करके लिख लेंगे चित्रों का अलंकरण पेड़ पौधों फूलों व पशु पक्षी की आकृतियों से किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी गुप्तकालीन प्रमुख कला। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग साहित्य कला। तो ध्यान दीजिएगा, गुप्त कला में संस्कृत साहित्य की दृष्टि से सर्वाधिक निर्माण किया गया और गुप्त काल में ही सर्वाधिक व श्रेष्ठ कवि पाए जाते थे, इसीलिए गुप्त काल को साहित्य काल का भी स्वर्ण काल कहा गया है। तो लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे साहित्य कला। लिख लेंगे दोस्तों, संस्कृत साहित्य की दृष्टि से सर्वाधिक व सर्वश्रेष्ठ काल। लिख लेंगे संस्कृत साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो जो गुप्त काल है इसे श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा गया है। लिख लेंगे गुप्त काल सर्वश्रेष्ठ कवियों का काल। अगर प्रमुख रचनाएं देखी जाएं तो प्रमुख रचनाओं में अगर हम देखें तो सबसे पहले कवि आते हैं हमारे कालिदास। तो हेडिंग डालते हैं कालिदास। और कालिदास को अगर देखा जाए तो कालिदास ने नाटक,
खंड काव्य व महाकाव्य का निर्माण किया है। कालिदास ने संस्कृत में इतना अभेद अपना योगदान दिया है कि इन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, या इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लिख लेंगे इन्हें भारत का, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर कालिदास की प्रमुख रचनाओं को देखा जाए तो कालिदास ने मुख्य रूप से तीन प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, जिसमें पहले हैं हमारे नाटक। अगर नाटकों को देखा जाए तो पहला नाटक है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है, और इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है विलियम जोन्स ने। दोस्तों अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा है हमारा विक्रमोर्वशीय, ठीक है दोस्तों। अगर तीसरा नाटक देखा जाए तो कालिदास का तीसरा नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। लिख लेंगे माल विकाग्नि मित्र, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र व उसकी प्रेमिका मालविका का वर्णन किया गया है। अगर दूसरा देखा जाए तो ये है हमारे महाकाव्य, और महाकाव्य में कालिदास ने दो महाकाव्यों का निर्माण किया है, जिसमें पहला है हमारा रघुवंश और दूसरा अगर देखा जाए तो ये है हमारा कुमार संभव। इसके अतिरिक्त कालिदास ने खंड काव्यों का निर्माण किया है, और खंड काव्य भी दोस्तों हमारे दो हैं, जिसमें पहला खंड काव्य है हमारा ऋतु श्रृंगार और दूसरा खंड काव्य है हमारा मेघदूत। तो लिख लेंगे ऋतु श्रृंगार और मेघदूत। अगर इस काल के दूसरे लेखक देखा जाए तो इनका नाम है भास, और भास की पुस्तक को अगर देखें तो इसका नाम है स्वप्न वास वद्रता। लिख लेंगे स्वप्न वास वद्रता। अगर गुप्तकालीन प्रमुख कवियों में तीसरा कवि देखें तो ये है शूद्रक, और शूद्रक की रचना का नाम है मृच्छकटिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुप्तकालीन वह कौन सी रचना है जिसका अंत जो है वो दुखांत हुआ है, और ध्यान दीजिएगा गुप्तकालीन केवल एक ही रचना ऐसी है जिसका जो अंत है वो दुखांत है, जबकि अन्य सभी रचनाओं का जो अंत है वो कैसा है, सुखांत है। तो ध्यान दीजिएगा जो शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम, इसका जो अंत है दोस्तों ये कैसा है, दुखांत है। और इस पुस्तक में दोस्तों एक ब्राह्मण जो कि सार्थवा है उसका नाम है चारुदत्त व उसकी प्रेमिका वसंत सेना का वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा मृच्छकटिकम एकमात्र ऐसा गुप्तकालीन नाटक है या कृति है जिसका जो अंत है वो कैसा है दोस्तों, दुखांत है, और इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण सातवाह व वसंत सेना का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे अर्थ और निकलता है। मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे ये दूसरे व्यवसायों को अपनाने लगे थे, इसकी जानकारी भी शूद्रक की मृच्छकटिकम से प्राप्त होती, क्योंकि सार्थवा जो यहाँ पर था दोस्तों ये चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण था। तो यहाँ स्पष्ट है कि ब्राह्मण जो थे ये भी व्यापार कार्य में संलग्न हो गए थे। अगर चौथे कवि को देखा जाए या लेखक को देखा जाए तो ये हैं हमारे विशाखा दत्त, और विशाखा दत्त की दो प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें पहली रचना अगर हम देखें तो ये है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चाणक्य की सहायता से नंदों के अंत का वर्णन किया है, वह इनकी जो गुप्तकालीन रचना है इसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम।
विशाखा दत्त ने अपनी पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ताकत व उसकी शक्ति का वर्णन किया है व रामगुप्त नामक अयोग्य शासक का वर्णन किया है व जब ध्रुव देवी उसको उठा ले जाते हैं शक शासक तो किस प्रकार से विक्रमादित्य शकों का अंत करता है व ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है व ध्रुव देवी के कहने पर अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है। इसकी जानकारी प्राप्त होती है विशाखा दत्त की पुस्तक देवी चंद्र गुप्तम से। अगर पांचवें लेखक देखा जाए तो इनका नाम है वात्स्यायन और वात्स्यायन की पुस्तक का नाम है काम सूत्र। काम सूत्र का भी गुप्त काल में विशेष महत्व रहा है दोस्तों। अगर छठे लेखक देखा जाए तो ये हैं हमारे पंडित विष्णु शर्मा और इनकी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। दोस्तों मैं आपको बता चुका था जब मैं साहित्यिक स्रोत लिखवा रहा था कि विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है ये बाइबल के बाद में सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक है पूरे विश्व की। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये लेखक हैं हमारे कामंदक और कामंदक की पुस्तक का नाम है नीतिसार। नीतिसार का गुप्त काल में वही महत्व है जो कि मौर्य काल में अर्थशास्त्र का है। अगर आठवें लेखक देखा जाए तो ये हैं हमारे दंडी और इनकी पुस्तक का नाम है दश कुमार चरित्र। अगर नवे लेखक दोस्तों देखा जाए तो ये हैं हमारे अमर सिंह और अमर सिंह जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और कोशकार थे और इनकी पुस्तक का नाम है अमर कोश। अगर दसवें लेखक देखा जाए तो ये हैं हमारे चंद्र गोमिन जिन्होंने चंद्र व्याकरण नामक पुस्तक लिखी है। लिख लेंगे चंद्र गोमिन और पुस्तक का नाम है चंद्र व्याकरण। अगर ग्यारहवें लेखक देखा जाए तो ये हैं हमारे भरत मुनि और भरत मुनि की पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो रसों की उत्पत्ति है काव्य में वो भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से ही प्राप्त होती है। और इस काल की जो सबसे और अंतिम महत्वपूर्ण पुस्तक है ये है भारवीकृत किरातार्जुनीयम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारवी की जो पुस्तक है किरातार्जुनीयम इसमें किरातधारी भगवान शिव व अर्जुन के मध्य में युद्ध का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा कई बार दोस्तों पूछ लेता है कि किस पुस्तक में किरातधारी शिव व अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है तो इस पुस्तक का नाम है किरातार्जुनीयम जो किसके द्वारा लिखी गई है भारवी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हेडिंग डालते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की दृष्टि से भी गुप्त काल का अपना विशेष महत्व है क्योंकि रामायण महाभारत पुराण स्मृति व श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में ही किया गया। लिख लेंगे रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता कौमा पुराण व स्मृति का अंतिम रूप से संकलन इसी काल में। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो लिखते हैं दार्शनिक प्रगति। तो गुप्त काल में दर्शन शास्त्र में भी काफ़ी प्रगति हुई और भारतीय दर्शन की जो प्रमुख 6 शाखाएं हैं इनका अंतिम रूप से संकलन जो है ये गुप्त काल में ही माना जाता है। अगर दर्शन शास्त्र को देखा जाए तो भारतीय दर्शन की पहली शाखा जो है इसका नाम है सांख्य और सांख्य के प्रवर्तक माना जाता है कपिल मुनि को।
सांख्य के प्रवर्तक माना जाता है कपिल मुनि को। अगर दूसरी देखें तो ये है हमारी न्याय, और न्याय के प्रवर्तक जो हैं ये कहा जाता है गौतम मुनि को। अगर तीसरी शाखा देखें तो ये है हमारी योग, और योग का प्रवर्तक कहा जाता है पतंजलि को। अगर चौथी शाखा देखें तो ये है हमारी वैशेषिक, ये है हमारी वैशेषिक, और वैशेषिक का प्रवर्तक कहा जाता है कणाद को। अगर पांचवी शाखा देखें तो ये है हमारी पूर्व मीमांसा, ये है हमारी पूर्व मीमांसा, और इसका प्रवर्तक कहा जाता है जैमिनी को। वा छठी शाखा अगर देखें तो इसे कहा जाता है उत्तर मीमांसा, इसे कहा जाता है उत्तर मीमांसा, और इसका प्रवर्तक माना जाता है बादरायण को। इसके अतिरिक्त दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दर्शन शास्त्र की एक शाखा और भी है जिसे चार्वाक कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक जो हैं ये चार्वाक कहलाते हैं। तो भारतीय दर्शन जो है इसमें दर्शन शास्त्र का जो निर्माण है ये भी गुप्त काल में ही किया गया है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो गुप्त काल में विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। तो हेडिंग डालते हैं विज्ञान व तकनीकी विकास। अगर विज्ञान व तकनीकी विकास को देखा जाए तो गुप्त काल में ही भारत में बिहार में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने दुनिया को सर्वप्रथम गणित और ज्योतिष में अंतर बताया। इनका नाम था आर्यभट्ट। तो हेडिंग डालते हैं इसमें नंबर वन आर्यभट्ट। अगर आर्यभट्ट की पुस्तक को देखा जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम दोस्तों ध्यान दीजिएगा आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय, और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं उसे लिख लीजिएगा। तो अगर इसमें पहला पॉइंट देखा जाए तो सर्वप्रथम गणित को ज्योतिष से अलग किया है किसने, आर्यभट्ट ने। तो लिख लेंगे नंबर वन यहां पे गणित को ज्योतिष से अलग। किसने किया है दोस्तों, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दशमलव पद्धति का विकास, लिख लेंगे दशमलव पद्धति का विकास। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी गोल है व अपनी धुरी पर घूमती है, लिख लेंगे इन्हीं ने दोस्तों बताया था, लिख लेंगे पृथ्वी गोल है वा धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारणों का पता भी किसने बताया है, आर्यभट्ट ने ही बताया, लिख लेंगे सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों गणित में पाई का मान आर्यभट्ट की ही देन है, वह सौर वर्ष की गणना भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही की है। तो लिख लेंगे पाई का मान वह सौर वर्ष की दूरी, ये सब दोस्तों किसकी देन है, ये आर्यभट्ट की ही देन है जो कि गुप्त कालीन थे और इनका जन्म बिहार में हुआ था। अगर दूसरे प्रमुख इस समय के व्यक्ति को देखा जाए तो इनका नाम है वाराह मिहिर। क्या नाम है इनका, वाराह
मिहिर। और वाराह मिहिर को अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में पाए गए हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है बृहद संहिता व पंच सिद्धांतिक। लिख लेंगे बृहद संहिता व ये इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दोस्तों ये हैं हमारे ब्रह्मगुप्त। अगर नंबर तीन देखा जाए तो ये हैं हमारे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था, और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात न्यूटन के जो ग्रेविटी के लॉ थे इसको पूर्व में ही बता चुके थे कौन, भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। लिख लेंगे इन्होंने बताया पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यही बताया है न्यूटन ने अपने लॉ में कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित की जाती है, अर्थात पहले ही बता चुके हैं न्यूटन के लॉ को कौन, ब्रह्मगुप्त। अगर चौथे देखा जाए तो ये हैं भास्कर प्रथम, और भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट जो हैं इनके ऊपर टीकाएं लिखी हैं, और ये प्रमुख खगोल शास्त्री हैं। लिख लेंगे खगोल शास्त्री। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं दोस्तों हम लोग चिकित्सा। तो गुप्त काल में चिकित्सा का भी काफ़ी विकास हुआ, और नवनीत क्रम नामक प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ जो है वो गुप्तकालीन ही है। तो लिख लेंगे नवनीत क्रम नामक ग्रंथ गुप्तकालीन। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रमुख वैद्य जो है दोस्तों ये हैं हमारे धन्वंतरी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसके अलावा पाल काव्य नामक वैज्ञानिक ने या पाल काव्य नामक व्यक्ति ने हस्तार्थयुद्ध नामक पुस्तक लिखी है जो कि पशु चिकित्सा से संबंधित। लिख लेंगे पाल काव्य अगर पुस्तक देखें तो इनकी पुस्तक का नाम है हस्तायुर्वेद, और ये किससे संबंधित है, पशु चिकित्सा। और पशु चिकित्सा में अगर देखें तो मुख्य रूप से हाथी की चिकित्सा से संबंधित है पुस्तक पाल काव्य की हस्तायुर्वेद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ नोट करके दो पॉइंट लिख लीजिएगा कि गुप्त काल में ब्राह्मणों के द्वारा व सवर्णों के द्वारा संस्कृत भाषा बोली जाती थी, जबकि महिलाओं व निम्न जाति के लोगों के द्वारा प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गुप्त साम्राज्य का वीडियो भी समाप्त होता है। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।